नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। भारत में टेलीकॉम की दुनिया में अगर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो है मुकेश अंबानी के जियो का। बात ऑफर्स की हो या फिर ग्राहकों का ध्यान रखने की, तो मुकेश अंबानी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब से जियो ने टेलीकॉम जगत में एंट्री मारी है, बहुतों की अन्य कंपनियां बिकने के कगार पर है। मुकेश अंबानी की योजनाएं सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि आम इंसान की नब्ज पकड़ना भी वो बाखूबी जानते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बेहद चिंताजनक है, और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे देश में ही होते हैं। सड़क सुरक्षा की लाख कोशिशों के बावजूद कोई स्थायी हल खोज पाने में सरकार और जनता दोनों नाकाम है। आपको बता दें, भारत में सबसे ज्यादा मौतें दो पहिया वाहन दुर्घटनाओं में होती हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस गंभीर मुद्दे पर नई पहल शुरू की है। जी हाँ, रिलायंस अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए लेकर आई है रिलायंस कवच। अब रिलायंस कवच एक तरह का सुरक्षा किट है, जिसमें आपको DOT सर्टिफाइड हेलमेट, कंधों और कोहनियों की सुरक्षा देने वाले जैकेट, हथेलियों को घिसट से बचाने के लिए ग्लव्स और वहीं घुटनों को सुरक्षा देने के लिए गार्ड इस किट में शामिल है। ये एक्सीडेंट के दौरान चालक को सुरक्षित रखने का बेहतरीन साधन है। विदेशों में इस तरह की तकनीक पहले से इस्तेमाल की जा रही है, और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत लगाई जाए तो ये किट 50,000 रुपये के आसपास है, लेकिन रिलायंस ये किट मात्र 12,000 रुपये में दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये किट आप आसान किस्तों पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही रिलायंस अपने कर्मचारियों को इस किट को खरीदने के लिए लोन भी उपलब्ध करा रही है। कहा जा रहा है अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो कीमतें और भी कम की जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।